इंटरनेट चलाने वाले करोड़ों लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। गूगल के जरिए आप किसी भी पोर्टल पर आ सकते हैं या कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको वहां 404 एरर यानी 404 एरर लिखा हुआ दिखाई देता है। 404 एरर अक्सर नहीं दिखाई देता, बल्कि किसी खास कारण की वजह से दिखाई देता है, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इसका अर्थ होता है पेज नॉट फाउंड। जिस वेबसाइट या जिस वेब पेज को आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। ज्यादा संभावना होती है कि आप जिस लिंक को खोलने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी है, या फिर टाइप की गई नई लिंक में कोई गलती है। कई बार संबंधित पेज को हटा दिए जाने पर भी ये मैसेज दिखाई देता है। अलग अलग ब्राउजर्स और वेबसाइट्स के हिसाब से इसकी डिजाइन भी अलग होती है। अब सवाल ये उठता है कि 404 ही क्यों दिखाई देता है। वेब पेज ना खोज पाने पर सभी सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल, याहू, बिंग में एरर दिखाने के लिए इस नंबर को ही मान्यता प्राप्त है। नंबर कोड होने की वजह से वेबसाइट्स, डिजाइन करने वाले इंजीनियर इसे आसानी से सुधार कर सकते हैं। आपको अगर 404 एरर दिखाई दे रहा है तो उसका पहला कारण ये हो सकता है कि आपने कोई गलत कीवर्ड टाइप किया है। गलत होने की वजह से गूगल पर सर्च नहीं हो पाता और इस वजह से 404 एरर दिखाई देता है। साथ ही अगर आपके सामने 404 एरर आता है तो उसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस वेबसाइट पर अपनी सामग्री आप खोज रहे हैं अब वो वेबसाइट बंद हो चुकी है, या फिर उस वेबसाइट पर अभी वो सामग्री उपलब्ध नहीं है। कई बार अगर आप गूगल पर कोई लिंक डालते हैं तो भी 404 एरर आ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो लिंक डिलीट हो चुका है। जब आप कोई ऐसी सामग्री सर्च करते हैं जो कि उपलब्ध नहीं हो या फिर उसे डिलीट कर दिया गया हो, तो इस तरह की त्रुटि आना स्वाभाविक है। अगर आम भाषा में इसकी परिभाषा दी जाए तो ये एक प्रकार का कोड है जिसे वेबसाइट डेवलपमेंट करते हुए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में 404 के पहले नंबर यानी कि 4 का मतलब बैंड एड्रेस है और लास्ट वाले 4 का मतलब बैंड URL है। और जब वेबसाइट में इस तरह का 404 एरर आता है तो इसका मतलब है कि वेबसाइट में कोई दिक्कत है, इसीलिए उसे जल्दी ही रिपेयर करें ताकि वो फिर से सही तरीके से काम करने लगे। तो है ना ये इंटरेस्टिंग। आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।